मैरवा गुठनी मोड़ स्थित शाही ब्रदर्स पेट्रोल पंप के तरफ से सारा ग्राहक लोग के मैरवा वासी लोग के ढेर सारा शुभकामना निवेदक त्रिभुवन शाही मैरवा। आज शुरू करता नहीं भोजपुरी भाषा में अपना भाषा में उस चैनल भोजपुरी बात कही। आज एगो बड़ा मामला खबर के प्रायोजक बचपन रोग विशेषज्ञ और नॉर्मल डिलीवरी के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सुनीता मिश्रा और आनंद चिकित्सालय प्रांगणी मैरवा में। नमस्कार प्रणाम, हम है और भाई और दोस्त प्रवीण मिश्रा बुलबुल। मुखिया संध्या देवी तथा वहाँ के पति अरविंद सिंह जी के तरफ से पूरा ग्राम पंचायत राज पतार के तमाम सारा जनता के नरक चतुर्दशी रूप चौदस तथा दिवाली के ढेर सारा शुभकामना हार्दिक बधाई। बिहार के एक विद्यालय से अजीबोगरीब मामला सामने आया है। हसनपुरा प्रखंड के एक विद्यालय में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जहां बीपीएससी शिक्षिका को प्रखंड शिक्षिका के द्वारा पिटाई कर दी गई। सूचना पर पहुंचे पीड़ित शिक्षिका के परिजनों ने इलाज के लिए शिक्षिका को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हसपुरा पहुंचाया। वहां के चिकित्सकों ने प्रारंभिक इलाज के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। घटना सोमवार की दोपहर की बताई गई है। बताया जाए कि लिखित शिकायत हसपुरा थाने में पीड़िता ने की है। इधर शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीणों ने विद्यालय में पहुंचकर जमकर बवाल मचाया है। बताया जा रहा है कि स्थानीय वीडियो प्रदीप कुमार चौधरी पहुंचे हुए हैं और ग्रामीणों के द्वारा जो बवाल किया जा रहा है उस पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रामीणों से कार्यकलाप पर कार्रवाई का भरोसा दिलवा रहे हैं और मामले को शांत करना कराने में जुटे हुए हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्र शशिकांत कुमार, अंकित कुमार, दीपू कुमार, हरिओम कुमार, निक्की कुमारी, गीतांजलि कुमारी, नेहा कुमारी, प्रिया कुमारी, सुधा कुमारी, सोनाली कुमारी ने बताया कि जब से विद्यालय में कुछ बीपीएससी शिक्षक आए हुए हैं तब से विद्यालय का जो शांति था वह भंग हो गया है। बताया जा रहा है कि वे लोग दिन भर कार्यालय में बैठे रहते हैं तथा गप्पे मारते रहते हैं। शिक्षिकाओं के द्वारा नहीं पढ़ाने का भी बात सामने आया है। छात्रों ने बताया कि बीपीएससी शिक्षिका तथा बीआरपी द्वारा बैठकर गप्पे मारा जाता है, जिससे अन्य विद्यालय के कार्य भी डिस्टर्ब होते रहते हैं। इस संबंध में बातचीत करते हुए छात्राओं ने शिक्षिकाओं पर बीपीएससी शिक्षिकाओं पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि वीडियो ने मामले को शांत करा दिया है। छात्राओं ने बताया कि जब से बीपीएससी शिक्षिका पुष्पांजलि कुमारी आई हैं तभी से यह स्थिति विद्यालय में बनी हुई है। विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नदारद है। बच्चों ने यह भी आरोप लगाया कि पुष्पांजलि के साथ उमावती कुमारी मारपीट व दुर्व्यवहार करती हैं। ग्रामीणों ने वीडियो के समक्ष कहा कि यदि प्रधानाध्यापक सहित चार शिक्षकों को सस्पेंड नहीं किया जाएगा तो विद्यालय परिवार शांत नहीं हो पाएगा, वहीं शिक्षा सुचारू रूप से नहीं चल पाएगी। आप बहुत बड़ी खबर भोजपुरी बतकही चैनल पर सुन रहे हैं। तमाम शिक्षकों के सुझाव के बाद यह चैनल हिंदी में भी कुछ विशेष खबरों को प्रसारित कर रहा है। अगर यह खबर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रवीण मिश्रा बुलबुल को आप टी सीरीज वेब म्यूजिक कंपनी और बड़े बड़े कैसेट कंपनी से गीत संगीत को सुन सकते हैं। दुनिया के हर ऐप पर हम अवेलेबल हैं। भोजपुरी में हर खबर सबसे पहले लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विशेष मांग पर कुछ खबरें हिंदी में भी दी जा रही हैं। यह घटना बिहार के गोह के हसपुरा प्रखंड के कोइलवा मध्य विद्यालय की बताई जा रही है। अभी के लिए बस इतना ही। आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तब भोजपुरी बतकही और अपना भाषा के चैनल है, अपना माई भाषा के चैनल के
अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं की कहले तो सब्सक्राइब कर ली, भोजपुरी बत कही। मैं हमेशा हरौरा अपना घर के अपना क्षेत्र के सबसे अहम खबर सबसे पहले देवे के कोशिश कई जला। अपना भाषा के चैनल के मान सम्मान बढ़ाई, भोजपुरी बत कही। सब्सक्राइब के लिए पधारे डॉक्टर मंजीत रंजन, और हृदय के किसी भी बीमारी के लिए पधारे डॉक्टर रागिनी सिंह, सिवान अस्पताल रोड बाईपास मोड़ के नजदीक। आयुर्वेदिक कॉलेज के तरफ से सारा सिवान के जनता के ढेर सारा शुभकामना। विज्ञानानंद केंद्रीय विद्यालय चनौर, रजिस्ट्रेशन नामांकन शुरू बा। शीघ्रता करी, कार्यालय से जल्दी संपर्क।